क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो. अ सॉलिनॉइड ऑफ लेंथ 0.4 मीटर, तो इसकी जो लेंथ है वो 0.4 मीटर दे रखी है, मतलब ये फाइनाइट लेंथ का सॉलिनॉइड है. इसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज लेंथ कितनी है 0.4 मीटर. तो दिस लेंथ इज 0.4 मीटर, ठीक है. एंड डायमीटर 0.6 मीटर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा इसका 0.3 मीटर. रेडियस इसका हो जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है. एंड लेयर्स ऑफ 1000 टर्न्स ऑफ फाइन वायर, तो हमें पहले तो म्यू नॉट की वैल्यू तो दे रखी है, पहले स्मॉल एन की वैल्यू पता होनी चाहिए. वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. शायद लेक्चर में मिसिंग था तो यहां क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा. नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए 1000, तो इसके जस्ट बाद मैंने इसको दे दिया 1000 अपॉन लेंथ कितनी होगी 0.4, ठीक है. तो ये नंबर ऑफ, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 0.4, वो कैलकुलेट करके रख लेना, ठीक है. तो अब हमारे पास फॉर्मूला है. अच्छा, अगर इधर से एंगल दिया हो थीटा वन, थीटा कर लिया मैंने, और इधर से बीटा, तो मैं वही वाला थीटा वन की जगह मैंने थीटा लिख लिया, ठीक है, क्योंकि दो तो है नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इस फॉर्म में क्या होता है, प्लस में होता है ना, म्यू नॉट एन आई बाई टू. अब बड़े ही ध्यान से देखो, तुम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मगर आप देख नहीं रहे हो तो गलत बात है, नहीं हुआ तो छोड़ो, ठीक है. मगर आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस, ये तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, मगर इसमें भी थोड़ा दिमाग लगना है. म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. म्यू नॉट पता है, एन पता है, आई की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, आई की वैल्यू पता है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, तुम रख लोगे. अब चाहिए कॉस थीटा और कॉस बीटा, ये पता हो जाता तो तुम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते. याद रखो, जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो मैं फाइनल कैलकुलेशन देखता ही नहीं, वो तो तुम सीख जाओगे, वो कोई मुश्किल काम नहीं है. और कैलकुलेशन अभी तक आनी चाहिए तुम्हें, छोटी क्लासेस पास कर चुके हो, तो मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे फिजिक्स सिखानी है, समझ आई बात. तो मैं खाली तुम्हें देखता हूं कि तुमने वो स्टेप सही किए नहीं किए, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ठीक है. तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है 0.2 और ये 0.3, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, कितना आता है 0.13, अंडर रूट के अंदर आएगा. अच्छा 0.13 अंडर रूट के अंदर, तो सॉल्व करके कितना आएगा वो सॉल्व कर लेना खैर, ठीक है. 0.2 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, 0.13 आएगा. ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 अपॉन अंडर रूट 0.13 कॉस थीटा अपॉन, ये अंडर रूट 0.13 की वैल्यू इस टर्म से ज्यादा, 0.2 से ज्यादा होनी चाहिए, वो देख लेना हा? और कॉस बीटा की वैल्यू, ये मुझे एक्चुअली मैं ये मैंने नहीं किया तो मुझे डाउट है इसमें, ये सब लोग चेक कर लेना, है ना, हाँ देख लेना 0.36 आएगा, हाँ सही है. फिर तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 अपॉन 0.13, मतलब कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे. तो कॉस थीटा और कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लोगे, ठीक है, समझ आई बात. दोनों की सेम ही आएंगे, बेसिकली दोनों सेम ही होगा, कॉस थीटा और कॉस बीटा यहाँ पे सेम होगा, तो इसको डबल भी कर सकते हो, 2 cos θ भी कर सकते हो, ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया कहाँ के पॉइंट के लिए, मिडिल पॉइंट के लिए. ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे था, मिडिल पॉइंट पे था. अब हम कहाँ पे निकालेंगे, एंड पॉइंट पे, बी एट एंड पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट. तो एंड पॉइंट के लिए बाकी सब तो वही होगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू, वो सब वैल्यू, ठीक है. यहां पर एंड पॉइंट ये है, तो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा ये वाला होगा, दिख रहा है, ये थीटा होगा, समझ आई बात. थीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से एक साइड का एंगल, हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का एंगल, इस लाइन, ये लाइन यहां पे वर्टिकल हो जाएगी, तो यहां पे थीटा कितना होगा 90, तो यहां पे कॉस 90, कॉस 90 जीरो कर देना, प्लस बीटा, कॉस बीटा कितना होगा, यहां से रखोगे कॉस बीटा, बीटा कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है. तो कॉस बीटा की वैल्यू साइड में देख लो, है ना, डायग्राम देखते जाओ, डायग्राम के पास कलर चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है. कॉस बीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, 0.4 अपॉन ये कितना 0.3 होगा, 0.5 श्योर, अंडर रूट में या ऐसे ही, ऐसे ही 0.5, तो ऐसे ही 0.5, ठीक है.
तो पॉइंट फोर अपॉन पॉइंट फाइव, जस्ट अ मोमेंट, एरर, पॉइंट फोर अपॉन पॉइंट फाइव, ठीक है, दैट इज फोर बाई फाइव, तो कॉस बीटा की वैल्यू फोर बाई फाइव, कॉस साइन टी की वैल्यू जीरो, बाकी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देना एन आई बाई टू, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है।